अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्किन एकदम ग्लास स्किन जैसी हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर स्किन हो, आपके स्किन पर कोई भी दाग धब्बों के निशान न हो, फाइन लाइन रिंकल्स खत्म हो जाए और ये सब खत्म हो, लेकिन मेकिंग कॉस्ट एकदम जीरो रहे, यानी कि अगर कुछ इस तरह की आपकी भी चाह है कि फाइन लाइन रिंकल्स सब खत्म हो जाए, स्किन मेरी एकदम ब्राइट हो जाए, खूबसूरत हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दे, बाजू में ही एक बेल आइकॉन होगा उसको भी क्लिक कर दे, उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के फायदे ये हैं कि मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है सारे वीडियो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री है, उसका एक रुपया भी नहीं लगता है, क्योंकि दो दिन से मुझे मैसेज आ रहा है मैम सब्सक्राइब करने का पैसा तो नहीं लगता है ना, उनकी नहीं एकदम फ्री है, 100% फ्री है। जब ज्वाइन का बटन लिखा होता है जिस यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका पैसा आपको देना पड़ता है, सब्सक्राइब करना 100% फ्री है। तो बात कर लेते हैं आज के फेस पैक की। आज का जो ये फेस पैक है इसका मेकिंग कॉस्ट है जीरो, बिग जीरो, यानी कि पार्लर में जाकर के अगर आप 2000 रुपए का फेशियल कराते हो उससे कहीं ज्यादा ग्लो और उससे कहीं ज्यादा शाइन और उससे कहीं ज्यादा आपकी स्किन टाइट जो है आपको दिखने वाली है। जो आप सबके बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं ना, मैं पार्लर जाती हूँ फेशियल कराती हूँ, फेशियल करा करके आती हूँ और एक घंटे के बाद मेरी स्किन तो वैसे की वैसी ही हो जाती है, आपको वो सब परेशानी से आपको छुटकारा दिलाती हूँ, क्यों जाना पार्लर, फिर क्यों पार्लर जाकर के 2000 रुपए खर्च कर देना जो आने के बाद एक घंटे के बाद आपकी स्किन की फिर वही हालत हो जानी है, उससे बेटर है कि 2000 रुपए भी आपके बच जाने वाले हैं और आपका जो काम जो है वो फेशियल का, वो ये मेरा फेस पैक फेशियल करने वाला है। इस पैक का आज मैं नाम रखी हूँ फेस पैक फेशियल, क्योंकि ये फेस एक ऐसा फेस पैक जो आपके फेशियल का भी काम करने वाला है और वो भी फ्री। ये क्या क्या काम करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको ग्लास स्किन की चाह है तो ग्लास स्किन देने वाला है, स्पॉटलेस स्किन देने वाला है और अगर आपके स्किन पे फाइन लाइन रिंकल्स की परेशानी है वो दूर करने वाला है, अनइवन स्किन टोन है उसके ऊपर ये काम करने वाला है, अगर आपके स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस वगैरह है तो वो आपके ठीक करने वाला है, बहुत 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 इस बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग अगर फेस पैक अगर आप बोलोगे तो बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग फेस पैक है। वैसे मैं बेस्ट एंटी एजिंग फेशियल पैक इसका नाम रखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी उम्र 14 साल या 15 साल की है उस इस फेस पैक को नहीं लगा सकते, आप 100% लगा सकते हो, बिंदास होकर के आंख बंद करके लगा सकते हो, आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए लगा लो इसको, बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग पैक भी है। तो ज्यादा बात नहीं करती हूँ और आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं, बनाने के बाद जब इसको लगाते हैं उसके बाद इसका रिजल्ट कैसा आता है। वैसे आप अभी मेरी स्किन को देख रहे हो तो रिजल्ट आपको फर्क दिखेगा जब आप वीडियो आगे देखोगे तो, कि मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग अभी दिख रही है और आगे चल के देखोगे तो मेरी स्किन थोड़ी डल लग रही है, थोड़ी डार्क लग रही है, तो ये इस फेस पैक का कमाल है। तो आगे चल के देखिए, तो आपको लेना है एक आलू और उसका छिलका अच्छे से हटा देना है और उसके बाद उसको कट करने के बाद उसके अंदर आपको 3 से 4 चम्मच जो है रोज़ वाटर ऐड करके आपको एक ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन पोटैटो ऐसा होता है कि बेस्ट ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर होती है। के बाद आपको क्या करना है, एक छन्नी के मदद जो छन्नी होती है उसके मदद से, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली छन्नी से ही करती हूँ, तो उससे आप इसको छान ले अच्छे से, इसका पल्प जो बचता है उसको भी आप वेस्ट नहीं करें, उस जो ये जो आलू का जो ये पल्प आपको बचता है आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो है राइस फ्लावर ऐड करके और थोड़ा सा शुगर, यानी कि ये जो पोटैटो पल्प बचा है उसके अंदर थोड़ा सा राइस फ्लावर, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ शुगर अगर डाल लेते हो, आप मिक्स कर लेते हो और उसके बाद उसको अपने फेस के ऊपर एज अ फेस स्क्रब आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। अभी जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है राइस, यानी कि अपना जो पका हुआ चावल होता है, जो नॉर्मल हम लोग चावल पकाते हैं वो चावल है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैम कि कौन सा राइस लेना है, आप जो भी खाते हो मोस्टली इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो बासमती राइस यूज़ करते हैं, लेकिन आप जो भी यूज़ करते हो चावल वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बासमती राइस ही लेना है, आप कोई भी राइस ले सकते हैं,
पका होना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद जब आप चावल एकदम पक जाता है, उसके बाद आप क्या करो, पका हुआ चावल और उसके साथ उसका जो पानी होता है, जो बॉयल राइस का जो वाटर होता है, वो आपको वो भी ले लेना है। उसके बाद आप क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही उस पानी का ले ले बॉयल राइस का, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर वो बच भी जाता है तो आप उसको फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसको एज अ फेस टोनर के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंडर में आपको ग्राइंड कर लेना है इसके अंदर। मैं जो ली हूँ राइस, वो तकरीबन मैं 3 स्पून के करीब में जो है वो पका हुआ चावल ली थी, लेकिन इसके अंदर नमक नहीं था। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नमक नहीं डालें। और उसके बाद मैं उसको चावल के पानी के साथ ही ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी। ग्राइंड करने के बाद क्या की मैं 1 स्पून जो है वो जो चावल का जो वो पेस्ट था, बॉयल राइस को जो ग्राइंड की थी उसका पेस्ट ली हूँ। उसके साथ ही मैं वन स्पून जो है मैं पोटैटो जूस जो मैं बनाई थी वो ली हूँ। दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद आपको इसके अंदर और कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत है नहीं है, यही सफिशियंट है आपकी बेस्ट ग्लोइंग ग्लास स्किन के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे फेस के ऊपर आपको एकदम अच्छे से लगा लेना है। आप इसे अपने नेक पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके हैंड के ऊपर रिंकल्स है या फिर आपके हाथ का रंग बहुत कम हो गया है तो आप एज अ हैंड मास्क भी आप इसको लगा सकते हो। उसके बाद पूरे फेस पे आप इसको लगा सकते हो, अंडर आई भी लगाएं। उसके बाद तकरीबन आपको इसको अपने फेस के ऊपर 5 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। बहुत अच्छे से मसाज करें, सर्कुलर मोशन पे अंडर आई, जैसे आप देख रहे हो कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। अगर आपकी नीचे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीक थोड़ी सैगी हो गई है तो उसको सर्कुलर मोशन पे मसाज करें, अपवर्ड्स में करें, नीचे की तरफ मसाज ना करें, अपने हाथ को नीचे ना लाएं, ऊपर की तरफ से अपने फेस को मसाज करें। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपको मसाज करना है। 5 मिनट मसाज करने के बाद आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने स्किन के ऊपर इसको लगे छोड़ देना है। आप जितना मसाज करते जाते हो ना, उतना ये आपके स्किन के अंदर जाता रहेगा। और जाते मैं तो तकरीबन 3 या 4 बार जो ये राइस और पोटैटो जूस का जो मैं मिक्स की थी ना, वो 3 या 4 बार अपने पाम में ली थी और मुझे अपनी स्किन बहुत 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 सॉफ्ट लग रही थी। तो पूरा प्रोसेस देखने के बाद अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग गया हो तो एक रिक्वेस्ट मैं आपको कहूंगी कि जैसे मैं बताई हूँ सेम सब कुछ आपको वैसे ही करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम इस फेसियल फेस पैक को कितने दिन तक बना के स्टोर कर सकते हैं? फ्रिज के अंदर आप आराम से 2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगर डेली अगर आपके घर में राइस नहीं बनता है तो आप आराम से इसको जो है कि 2 दिन से 3 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी जिनके घर में हर रोज राइस बनता है वो इसको स्टोर ना करें, फ्रेश ही यूज करें। और जहां तक इसके बात करने की है कि आप वीक में इसको कितने दिन यूज कर सकते हो, तो आप इसको वीक में
3 डेज यूज कर सकते हो, और आराम से बिना मसाज किए हुए इसको यूज ना करें, मस्त अच्छे से मसाज करें, उसके बाद जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही आप इसको करें, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट देने वाला है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ और गारंटी देती हूँ कि पार्लर खुलने के बाद भी आप फेशियल कराने पार्लर में नहीं जाओगे, ये इतना आपको सूट करने वाला है। और सब कुछ हमारे घर में है, मेकिंग कॉस्ट इसको बनाने का 0 है। तो वीडियो अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और भी अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर कीजिएगा, और भी अच्छा लग गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय। तो इसको उसको बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लगना है, तो आपको लेना है एक आलू, और एक आलू यानी कि पोटैटो लेना है, उसको अच्छे से धो लेना है, उसको पीलर के हेल्प से आपको ऊपर का छिलका निकाल लेना है, और उसके बाद उसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप रोज़ वाटर के साथ तकरीबन 3 to 4 स्पून रोज़ वाटर लें, उसके बाद उसको आप अच्छे से ग्राइंड